गुड मॉर्निंग अंशु। गुड मॉर्निंग। ओके, आज है 27th, राइट? एंड और हम तैयार हो गए हैं कहाँ जाने के लिए अंशु? कान्हा नेशनल पार्क। कहाँ पे? कान्हा नेशनल पार्क का जंगल सफारी वहाँ पे। और उसके बाद हम निकलेंगे आगे पन्ना की तरफ। और अब जस्ट ब्रेकफास्ट करने नीचे जा रहे हैं हम, क्लार्क्स इन एंड स्वीट्स रायपुर से। ओके अंशु, क्या देख रहे हो आप? ओके, स्विंग्स? देर आर नो स्विंग्स। चलो जी ब्रेकफास्ट करने चलें। सो हियर वी आर फॉर द ब्रेकफास्ट, एंड ब्रेकफास्ट इज वेरी नाइस। अभी हम इडली खा रहे हैं। यस अंशुमन, यू डोंट सेड दैट नो स्पाइसी इंडियन डोसा। यस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हर दैट यू नीड अ प्लेन डोसा विद बटर। सो जी, वी आर रेडी टू मूव आउट फ्रॉम क्लार्क्स इन रायपुर सिटी। आज हम पन्ना नेशनल पार्क, सॉरी कान्हा नेशनल पार्क जा रहे हैं। तो जी, वी आर ऑन अवर वे टू कान्हा नेशनल पार्क। काफ़ी अच्छा रास्ता है, छोटे छोटे विलेजेस के बीच में से जा रहा है, और NH 52 है आई बिलीव। देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं, अब तो बस 134 किलोमीटर बचा है। तो जी, कान्हा के रास्ते में एक बहुत बढ़िया नेचुरल वाटर बॉडी आई है जंगल से के बीच में। ये देखो, वेरी ब्यूटिफुल पॉन्ड, काफ़ी बड़ी वाटर बॉडी है। मन तो कर रहा है यहाँ कॉफी कूफी पिए, पर थोड़ा लेट भी हो रहा है, तो आगे चलते हैं। हम हैं कान्हा नेशनल पार्क पे और डेंस फॉरेस्ट के बीच में अभी हम चल रहे हैं। अभी तक कुछ वाइल्ड लाइफ वगैरह तो इतनी स्पॉटिंग नहीं हुई। देखो, एक लंगूर आया, ये कूद ना जाए, ये बड़े नोटोरियस होते हैं लंगूर। पूरी की पूरी फैमिलीज बैठी हुई थी। कमाल है, यहाँ पे लोग जो है बाइकों पे भी जा रहे हैं बिना डरे, जबकि जगह जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं कि वाइल्ड लाइफ हो सकती है, नो स्टॉपेज। कान्हा जी 79 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। जस्ट हमने छत्तीसगढ़ का बॉर्डर पार करके MP में घुस गए हैं। अब हम चेक पोस्ट आई थी अभी। देखो यार, ब्यूटीफुल रोड दोनों तरफ, मतलब 1 किलोमीटर तो मैं चल चुका हूँ, ये पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़। सोचा कि यार वीडियो बना ही लेता हूँ मैं, और मेरे ख्याल आगे भी हैं ये, थोड़ा सा आगे तक बनाते हैं। यहाँ थोड़े से ख़त्म हो गए हैं पेड़, बट आई थिंक आगे दोबारा शुरू है। ये देखो, करीबन पिछले 3-4 किलोमीटर से ऐसे ही चल रहे हैं, दोनों साइड ब्यूटीफुल पेड़ और बीच में ये सुंदर सा रोड, और दोनों साइड, एक साइड कुछ खेत है, कभी जंगल आ जाते हैं। अंशु देखा बेबी, ऐसे ही जो है ना कश्मीर में एक आता है, वहाँ पाइन के पेड़ है। पाइन कौन? हाँ, अनंतनाग से पहले ट्री टनल ऐसी बनी हुई है, बहुत शानदार लगती है वो भी। बट ये हम मध्य प्रदेश में हैं और वो कश्मीर में है ना? ये भी पाइन ट्री? नो, ये पाइन ट्रीज नहीं है, पूरा रोड ही ऐसा है मेरे ख्याल। दोबारा आगे पेड़ आ गए, देखो ये थोड़ा सा दोबारा, मतलब प्लेन सा आया है जहाँ पे पेड़ नहीं है, अब ये दोबारा पेड़ों का मामला शुरू हो गया। तो भाई जो है देखो, डेंस फॉरेस्ट एरिया है, देखो कितना ब्यूटीफुल रोड है, बहुत अच्छा है। तो गोलगप्पे खा रहे हैं, और क्या क्या है भाई तेरे पास? हाँ, केबल है हमारे फोन की। मनिका आ जा। ये कौन सा गांव है?
मराई टोला एमपी कान्हा के पास है ना ये। कैसे है मनीका? ओके एक बार पूछ के आता हूँ। ये मेन गेट कहाँ है इसका? बहुत आगे। इमेजिन नाइट में जब एनिमल्स यहाँ पे पानी पीने आते होंगे। फाइनली पहुँच गए हम कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क मजेदार रोड है और हरियाली इतनी है दोनों साइड पे। ये भाई एंट्री करनी पड़ती है। देखो जी एमपी में ज्यादातर लोकल घरों के ऊपर जो है घिया लौकी लुकी लगा देते हैं अपने आप ही और नेचुरल जो है उगती है। पीछे मैंने देखे कितने बड़े बड़े कद्दू गोल वाले लौकी सारे पड़े लगे हुए थे। तो घरों की छत का भी जो है फार्मिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नहीं आई मीन टू से कि फर्टाइल लैंड इतनी है यहाँ पे। अभी अभी हमने जो है दो फॉक्सेस और एक लेपर्ड देखा। जबरदस्त साइटिंग। वाओ तो हमारा ट्रिप का तो भाई साहब सक्सेस हो गया। सफारी और नो सफारी बिना पैसों के अपने को जो है जंगल में लेपर्ड और फॉक्सेस दिख गए। मतलब इट वाज सो डोसाइल एकदम जैसे एक स्पंज की तरह होता है ना यूं ऐसे उछल के गया वो टुवर्ड्स दिस जंगल साइड राइट साइड पे। और फॉक्सेस जो है वो पेयर में थी दो पेयर और उनकी आईज जो है ऐसे ग्लो हो रही थी। हाँ मतलब कैमरा उठाने का तो भाई टाइम ही नहीं। इट वाज लाइक एक ही दम हो गया बस। मतलब जबरदस्त एक्सपीरियंस यार आई कैन नॉट टेल यू के कैसा फील हो रहा है। सीरियसली लोग जिस चीज के लिए पूरा पूरा दिन लगाते हैं सफारी के लिए मतलब फीस पे करते हैं हमने और हमें उसमें तो नहीं दिखा सफारी जो हमने की बट हाँ यहाँ हमें दिख गया तो विन विन सिचुएशन हो गई हमारी तो। बिल्कुल भाई बिल्कुल इन टर्म्स ऑफ साइटिंग लेपर्ड साइटिंग। चलो ये हम अमरकंटक पहुंच गए हैं और एक भोजनालय है रेस्टोरेंट। यहाँ पे सारे मारवाड़ी भोजनालय हैं ज़्यादातर और हमने यहाँ पे जो है एक थाली ऑर्डर करी है। टेम्पटिंग लग रही है देखो कैसी होती है। बाकी उसके बाद अब हम एकोमोडेशन देखेंगे क्योंकि हमारा प्लान यहाँ पे आने का था नहीं हमें कान्हा ही रुकना था बट थोड़ा सा प्लान में चेंज हुआ और हम इस तरफ आ गए और अच्छा ही हुआ आ गए जो हमारे को लेपर्ड की साइटिंग हुई है। ये आ गई हमारी थाली कढ़ी आलू की सब्जी दाल रोटी और आलू बैंगन टेम्पटिंग। तो जी फाइनली आना जो है वो सफल हो गया। एक तो
लेपर्ड साइटिंग तो हुई वो अलग, बट हमें जो है एकोमोडेशन जो है वो मध्य प्रदेश टूरिज्म के अपने हॉलीडे होम्स करके इनकी एक प्रॉपर्टी है उसमें मिल गई है, और हमने आओ देखा ना ताओ और जो है बस लॉगिन कर दिया, और लॉगिन बोल रहा हूँ चेक इन कर दिया, क्योंकि हमें पता प्रॉपर्टी अच्छी होगी और पूरा फुल पैक्ड है। ये बोले लास्ट मोमेंट पे जो है एक 3 बेड का कमरा जो है इनका सेटअप जो है वो कैंसिल हुआ था, और इस वजह से जो है हमें अब वो मिल गया है। और हमने कहा कि भाई 2 बेड हो, मतलब डबल बेड हो या ट्रिपल बेड हो, इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि अब रात हो गई और हमें जो है अब रेस्ट करना है। तो हमने जो है फाइनली ये ले लिया है रूम, और अंशु इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि क्यों, क्योंकि कल छुट्टी और सुबह सुबह स्विंग्स पे झूल सकते हैं या बहुत सारे स्विंग्स हैं, और आज एमआई का फोन देखेंगे। ओके तो जी ये कॉटेज टाइप टेंट लगा हुआ है और ये हमें एलोकेट हुआ है। लेट अस सी, अंदर ट्रिपल बेड है एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस। यहाँ एसी भी है, टीवी है, पंखा फैन लगा है, हीटर भी है। अच्छा नहीं क्या एब्सर्ड सा क्वेश्चन है, कहता है एसी चालू करूं कि हीटर, उनका कुछ भी नहीं करने का है भैया, हमारे हिसाब से तो नॉर्मल है। पर हाँ हमारी जैकेट हमने यूज कर लिया पूरे ट्रिप में, अभी तक यूज नहीं हुई थी, अब बाहर आई है आज। और ये वॉशरूम है जी, हैंडवॉश तो कर लूं फिर दिखाना। ओके कूल है, नाइस प्लेस। धन्यवाद उस बंदे का जिसने कैंसिल किया था, क्योंकि पूरा पैक है, नहीं तो हमें पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़ते डंका लेने के लिए एकोमोडेशन। लकी भी था जो उसने कैंसिल कर दिया, हमारे लिए एडवांटेज हो गया।